नमस्कार मरम छात्र छात्री आम समाज विज्ञान द्वितीय अध्याय इतिम्य भिडिओ आपलोड करूँ आगते तुम लोग कैसी गांधीजिए आईन अमान्य आंदोलन कर आगते एगारटा दाबी दी ब्रिटिश सरकार दाबीक मानि नल्ले आईन अमान्य आंदोलन हुंकार दी तक आगर भिडिओ तुम लोग शिकायल आज आईन अमान्य आंदोलन स्टार्ट करम तुम लोग आईन अमान्य आंदोलन तो भारत स्वाधीनता आंदोलन एक अन्यतम पर्याय मन रखा इम्पर्टेन्ट प्रश्न यार किसान आए सो आईन अमान्य आंदोलन आसलते कि तुम लोग सहजभवे बुझी ला ऊन सौ त्रिश सन तेत्रिश सन आईन अमान्य आंदोलन ब्रिटिशे जी आईन बनाए तक अमान्य कर आईन नमान जी आंदोलन करेटक क्या आईन अमान्य आंदोलन यू अहिंसा भित्तर ऊपरते गांधीजे और गांधीजे प्रथम प्रथम यह आंदोलन के आम्भ कर लोन सत्याग्रह जरिए लोन सत्याग्रह की ब्रिटिशर एन आईन आ लोन आईन मानने के लिए भारत तो जी लोन प्रस्तुत करमक जी लोन प्रस्तुत करिटिशर अधीनते थक ब्रिटिश सरकार पार कि आईन गांधीजे प्रथम प्रथम किमान्य भलेमान अनुगामी अहमदाबाद गुजरात अहमदाबाद साबरमती आश्रम दांडी लैक गई दांडी एन सौ गाँव सगर पार तक गई कि सगर पानी निमख प्रस्तुत कर ब्रिटिश सरकार जी आईन आज लोन अक ब्रिटिश सरकार प्रस्तुत कर आईन अमान्य कर लोन आईन अमान्य आंदोलन यू प्रथम आरम्भि और आंदोलन गांधीजी ब्रिटिशर मानने विरुद्ध आईन अमान्य आंदोलन आरम्भ कर गांधीजी सको मानने प्रानर पर भारतवर्ष आबाल वृद्ध वनिता डेका बुढ़ा सकोए कि समर्थन करके तुम लोग दांडी जात्रा की प्रश्न एटे परीक्षा तुम लोग सबा तार पास दांडी जात्रा के दांडी गई पासी जी क्या प्रश्न सो सो प्रश्न है तार पास मैं कल भलेमान लोक समर्थन कर भारत विभिन्न प्रानर विशेषकर उत्तर पश्चिम सीमान प्रदेश तक एगारी विख्यात मानने तुम लोग परीक्षा आए प्रश्न तो लोक आंदोलन मानने समर्थन कर आंदोलन आईन अमान्य आंदोलन चलान ब्रिटिश विरोधी आईन अमान्य आंदोलन तो नाम आज सीमान गांधी ओरफे खान अब्दुल गफर खान नाम तो आए सीमान गांधी कौन सीमान गांधी आसल नाम तो क्या खान अब्दुल गफर खानक जाना जाए तो नाम तो आसे सीमान गांधी खान अब्दुल गफर खान यू मन में रखा तो उत्तर पश्चिम सीमान प्रदेश आईन अमान्य आंदोलन तो चलान नियत सहयोग रेड चार्ज परिहित खुदाय खिदमतगार भी एट सेवक दल द्वारा सो तर दल आज जी दल मानने कि आईन अमान्य आंदोलन दल कि जीखि मानने नेतृत्व जिस लोक ब्रिटिश विरोधी आईन अमान्य आंदोलन करें तेरे रंगा शार्ट पिंधि और निजे खुदाय खिदमतगार ईश्वर सेवक कैसे सो भारत यह आंदोलन तो जनप्रिय हबले और ब्रिटिशे आंदोलन तो मखीमूर कर प्रथम कि गांधीजी कैसे आम एन चुक्ति आंदोलन तो नागे गांधीजी प्रथम मैंने भाविले ठीक है तेहले एन चुक्ति हुआ जा गांधी और समय ब्रिटिश विषया लॉर्ड आर्विनर एन चुक्ति के परीक्षा आए ऊन सौ एक सन पाँच मार्च तारीख सो जितना यह चुक्ति हे चुक्ति मते गांधीजी किसान शर्त दी आर्विनक और शर्त तुम लोग आगर जी सिलेबास आई परीक्षा आगे गति तुम लोग चार पॉइंट को तुम लोग सैट हमें भल हम परीक्षा आजिकाल क्वेश्चन किसान अलग व्यतिक्रमी धरणे प्रश्न आए गति के तुम लोग सैट हबा सो इतने धुनिया के दिया बुझी नपाले मैं कबा तार पद कि इंगलैंड तुम लोग भारतवर्ष जिको मानने इंगलैंड जीवन कलोनियल मानने कान्ट्री आसे इंगलैंडर शासनाधिष्ठ जीवन औपनिवेशिक देश आईवीक देश क्या घटना हमें इंगलैंड तक कि है आलोचना है ये आलोचना मेलबी एन घूरणिया मेजमेल द्वारा है सो प्रथम घूरणिया मेजमेल आईन अमान्य आंदोलन आरम्भ हर समय कि भारत कॉग्रेस कैसे घूरणिया मेजमेल प्रतिनिधित्व करा ना कारण प्रथम आईन मानने प्रथम घूरणिया मेजमेल व्यर्थ हो द्वितीय घूरणिया मेजमेल गांधीजे कॉग्रेस प्रतिनिधि हिसाब से अंशग्रहण करें कि द्वितीय घूरणिया मेजमेल के ऊन सौ एकत्रिश सन कि घूरणिया मेजमेल किसान प्रस्ताव ला जी गांधीजी मानने सन्तुष्ट ना जनेक साम्प्रदायिक भित किए इते कैसे पृथक निर्वाचन मंडल निर्वाचन मंडल पृथक कर तारपरी सम्प्रदाय बेलेग बेलेग सम्प्रदाय आसन मानने जी मानने आमार विधानसभा आसन थके आसन संरक्षण व्यवस्था जी गांधीजी मान्ति हुआ ना फलत मानने द्वितीय खुरानिया मेजमेल प्रकारांतरे व्यर्थ होइसिले
তাৰপিছত দ্বিতীয় ঘূৰণীয় মেজ মেলা ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছত গান্ধীজীয়ে ভাৰতত যেতিয়া আহিব মানে ওলাইছিলে তেতিয়া গান্ধীজীয়ে মনত মানে ভাবিছিলে যে আইন মানিলেন পুনৰ আৰম্ভ কৰিব কিন্তু ব্ৰিটিছৰ যিবিলাক মানে শাসক বৰ্গ আছিলে কি কৰিছিলে গান্ধীজী প্ৰমুখ্যে যিমান নেতা আছিলে ডাঙৰ নেতাবিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে কিন্তু সেই সময়ত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বহুত সেৱক আছিলে বহুত দলীয় কৰ্মী আছিলে গোটেই দলীয় কৰ্মীয়ে একদম মানে সদল বলে এই আন্দোলনত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু ব্ৰিটিছেও এই আন্দোলনকাৰীসকলক মানে দমন কৰিবলৈ একদম কঠোৰতম শাস্তি বিহিছিলে আৰু ডেকা বুঢ়া তিৰি ল'ৰা ছোৱালী যিমান আছে চবকে শাস্তি বিহিছিলে আৰু এই আন্দোলনটোৱে কিন্তু ব্ৰিটিছৰ মানে যি মানে ব্ৰিটিছৰ তোমালোকে ক'বলৈ গ'লে ব্ৰিটিছৰ যিটো ভাৰতত খোপনি পুতিছিলে সেই খোপনিত কিছু হ'লেও মানে মানে কি হৈছিলে ঢিলা হৈছিলে ব্ৰিটিছে লাহে লাহে গম পাইছিলে যে ভাৰতৰ পৰা অদূৰ ভৱিষ্যতে আৰু যাব লাগিব কিন্তু এই অন্যমান্য আন্দোলন কি হৈছিলে মানুহ লাহে লাহে মানুহৰ উদ্যম কমি গৈছিলে কাৰণ দীঘলীয়া আছিলে 1930 চনৰ পৰা প্ৰায় 33 চনলৈকে চলিছিলে আৰু 33 চনৰ মে মাহত 1934 চনৰ মে মাহত গান্ধীজীয়ে এই অন্যমান্য আন্দোলন অফিচিয়েলি প্ৰত্যাহাৰ